तो गाइस अगर आप YouTube पर रैंडमली सर्च करते हुए इस वीडियो तक पहुंचो या फिर आपके किसी दोस्त ने आपको इस वीडियो को रेफर किया है तो आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। यू गाइस आर द बेस्ट बडीज। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अगर अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे इस वीडियो को तो बल्ले बल्ले। आज हम लोग 2 लाख रुपए के अंदर में वर्ल्ड के जो भी मोस्ट पावरफुल लैपटॉप्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस शुरुआत करते हैं हमारे सीरीज के सबसे पहले लैपटॉप से जो कि आता है एसस के तरफ से आने वाला ज़ेफ़िरस G14। अब गाइस ये जो लैपटॉप है आपको करंटली 1.69 लाख रुपीस का मिलता है। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो 14 इंच का एक 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज़ पे क्लॉक किया हुआ है। इसके अलावा आपको 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और DCI-P आपको 100% मिल जाता है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको समझाऊं तो इस लैपटॉप के ऊपर में आप गेमिंग के अलावा चाहो तो वीडियो प्रोडक्शन का कुछ काम करते हो, कलर करेक्शन का आपको कुछ काम रहता है तो ये पैनल मोर देन केपेबल है सारे कामों को, बिल्कुल आप मक्खन की तरह इस डिस्प्ले के ऊपर में कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको राइजन 950 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 8 कोर और 16 थ्रेड का एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। इसके अलावा इसको जो पेयर अप किया गया वो RTX के 3060 के 6GB के ग्राफिक कार्ड के साथ किया गया है। तो आपके जो भी प्रोडक्शन के काम हो, चाहे आप वीडियो एडिटिंग करते हो, चाहे आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो अपने गेम्स को YouTube चैनल के ऊपर में, तो सारे वर्कलोड्स को ये लैपटॉप बिल्कुल मक्खन की तरह हैंडल कर लेगा। इसका जो टोटल वेट है वो 1.7 kg है और इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो हमारे बाकी के लैपटॉप्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। तो अगर आप कुछ इस टाइप का लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसका जो ओवरऑल साइज रहे वो थोड़ा सा छोटा रहे और काफ़ी पावरफुल भी रहे फॉर द बजट, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। अब इस लैपटॉप के कुछ कॉन्स के बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप है इसको थोड़ा सा स्मॉल बनाया गया जिसकी वजह से इसका जो TGP है इसके ग्राफिक कार्ड का वो थोड़ा सा कम रखा गया ताकि जो हीट डिसिपेशन है वो बेहतर हो पाए और ये जो लैपटॉप है अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो जिसके वजह से इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है हमारे बाकी के कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, इसलिए हमारी 5th रैंक पे जगह बना पाया है। अब गाइस हमारे सीरीज का जो 4th लैपटॉप है आता है डेल के तरफ से आने वाला एलियनवेयर M15। अब गाइस अगर आप गेमिंग कम्युनिटी में काफी टाइम से एक्टिव रहते होगे या फिर आपने कभी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की सीरीज का कभी सर्च किया होगा तो आपने डेल के एलियनवेयर सीरीज का नाम जरूर सुना होगा। आप में से कितने लोगों को इसके सीरीज के बारे में पता था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये जो लैपटॉप है आपको करंटली 1.72 लाख रुपीस का मिलता है। इसमें आपको 15.6 इंच का एक फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है जो कि 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसके अलावा इसमें आपको 165 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। कलर एक्यूरेसी के लिए इसमें आपको 96.6% का sRGB मिल जाता है, तो गेमिंग के अलावा आप चाहो तो इसमें वीडियो प्रोडक्शन का कुछ काम करते हो या फिर आपका कलर करेक्शन का कुछ काम रहता है तो ये सारे वर्कलोड्स को आप इस डिस्प्ले के ऊपर में बिल्कुल स्मूथ तरीके से कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको 16GB रैम और 1TB का SSD मिल जाएगा। राइजन 750 800H के प्रोसेसर के साथ आता है जो कि 8 कोर और 16 थ्रेड का है। RTX का 3060 का आपको 6GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। तो अगर आप गेमिंग के अलावा अपने गेम्स को स्ट्रीमिंग करना चाहो अपने YouTube चैनल के ऊपर में या फिर आपको वीडियो प्रोडक्शन का कुछ काम करना है, सारे वर्कलोड्स को बिल्कुल स्मूथ तरीके से लैपटॉप हैंडल कर सकता है। RGB बैकलिट कीबोर्ड के सपोर्ट के साथ आता है और जो कीज है वो मैकेनिकल कीज है, तो आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस इस लैपटॉप में काफी बेहतर देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप का जो टोटल वेट है वो 2.7 kg है और इसको जो बनाने के लिए मटेरियल यूज किया गया वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का अलॉय यूज किया गया, तो काफी स्टर्डी बना देता है इसके बिल्ड क्वालिटी को। इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो ये इस पूरे सीरीज का सबसे बेस्ट लुकिंग गेमिंग लैपटॉप है। इसके अलावा इस लैपटॉप में आपको वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ का 5.2 का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है। वेबकैम आपको इसके अंदर में मिल जाता है। हमारा जो पिछला वाला लैपटॉप था उसमें वेबकैम भी मिसिंग था जो कि मैं बताना भूल गया था। अब गाइस इस लैपटॉप के कुछ कॉन्स के बारे में बात करें तो इतना महंगा डिस्प्ले होने के बाद भी इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले है जो कि बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है फ्रॉम एलियनवेयर ब्रांड के तरफ से। इसके अलावा जो इसका हीट डिसिपेशन है वो हमारे आगे के जो भी लैपटॉप्स आने वाले हैं उनके कंपैरिजन में इसका जो हीट डिसिपेशन है थोड़ा सा वीक है, इसके वजह से हमारे 4th रैंक पे जगह बना पाया। तो गाइस बढ़ते हमारे नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ जो कि आता है लेनोवो की तरफ से आने वाला लीजन 5 प्रो। अगर गाइस आप मुझसे पूछते हो कि 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप बता दो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप आंख बंद करके इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। जिस बजट में ये जितना कुछ आपको ऑफर करता है कोई भी दूसरा ब्रांड इसके आसपास में नहीं भटकता है। परफॉर्मेंस हो, बिल्ड क्वालिटी हो, डिजाइन हो, सब कुछ बिल्कुल आपको टॉप नॉच इस लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो 1.7 लाख रुपीस है। 16 इंच के 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है, 165 हर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। इसके अलावा इसमें आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, 100% आपको sRGB मिल जाएगा और डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ आता है। और इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिजाइन है हमारा 16:10 का उसके डिजाइन में आता है, तो आपको काफी मॉडर्न लुकिंग ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अब इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको राइजन 750 800H मिल जाता है जिसको पेयर अप किया गया RTX के 3070 के साथ जो कि 8GB का ग्राफिक कार्ड है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस वगैरह जो भी रहेगा उससे कोई भी शिकायत नहीं रहेगा, आप 4K में भी बिल्कुल स्मूथ तरीके से आप गेम्स खेल सकते हो। काफी जो बड़े बड़े AAA टाइटल्स हैं उनको काफी अच्छे फ्रेम रेट्स पे आप 4K में खेल सकते हो। 32GB रैम और 1TB का आपको SSD मिल जाता है, 2.43 kg के वेट के साथ आता है। फुल RGB कीबोर्ड आपको इस लैपटॉप के अंदर में मिल जाता है और जो बटन्स की क्वालिटी वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस इस लैपटॉप के ऊपर में काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस लैपटॉप में आपको पोर्ट्स इतने सारे भर भर के मिल जाएंगे, सारे पोर्ट्स का जो प्लेसमेंट है वो बैक साइड में किया
हुआ है ताकि आपका जो केबल मैनेजमेंट हो वो बेहतर हो पाए और आपका जो सेटअप रहे वो नीट एंड क्लीन लगे। बैटरी बैकअप के बारे में अगर बात करें तो अगर आप यूट्यूब वगैरह पे कुछ कंटेंट वगैरह देखते हो तो आपको नॉनस्टॉप 7 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा। अगर आप बैटरी के ऊपर में ही गेमिंग करते हो तो आपको 1.5 से 2 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे इस लिस्ट के बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑफ द ईयर के बारे में, जो कि आता है एसस के तरफ से आने वाला रोग स्ट्रिक्स स्कार 15। अब गाइस ये जो लैपटॉप है आपको करंटली 1.99 लाख रुपीज का मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा सेल वगैरह का वेट करते हो तो आप इसको 1.95 लाख रुपीज में बाई कर सकते हो। इसमें आपको 15.6 इंच का एक 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 300 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ये इस पूरे सीरीज का सबसे हाई रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला ये डिस्प्ले है। 300 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है तो इंडोर विजिबिलिटी में कोई भी शिकायत आपको नहीं रहेगा। 100% आपको sRGB इस डिस्प्ले में मिल जाता है तो जो डिस्प्ले रहेगा वो काफी पंची और काफी क्लोज टू नेचुरल रहेगा। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो राइजन 950 900HX के प्रोसेसर के साथ आता है जो कि 8 कोर और 16 थ्रेड का है। तो अगर आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो, वीडियो प्रोडक्शन का कुछ काम करना है, सारे काम को बिल्कुल मक्खन की तरह लैपटॉप हैंडल कर सकता है। इस लैपटॉप का जो एयर फ्लो है वो भी बहुत ज्यादा तगड़ा है, काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है थर्मल्स को। इसके अलावा इसमें आपको जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो RTX का 3080 का 8GB का ग्राफिक कार्ड है, तो आप इवन 4K जैसे बड़े बड़े AAA टाइटल्स को बिल्कुल स्मूथ तरीके से खेल सकते हो। आपको थोड़ा बहुत सेटिंग्स को इधर उधर करते हो तो आपको 60+ आपको मोस्ट ऑफ गेम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। 16GB रैम और 1TB के SSD के साथ ये लैपटॉप आता है। इसका जो टोटल वेट है वो 2.3 kg है और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गेमरी लुक आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाएगा। फुल RGB जोन के आपको नशे इस लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे, हर जगह आपको बस RGB देखने को मिलता है। अब गाइस इस लैपटॉप के कुछ कॉन्स करें बात करें तो काफ़ी फनी है कि इतना महंगा लैपटॉप होने के बाद भी इसमें आपको कोई भी वेबकैम नहीं मिलता है इनबिल्ट। हमारा जो इस सीरीज का फर्स्ट लैपटॉप था एसस का, उसमें भी आपको G14 में भी कोई भी वेबकैम नहीं मिल रहा था और इस वाले में भी आपको कोई भी वेबकैम नहीं मिलता है। इसके अलावा इस लैपटॉप में जो आपको कीबोर्ड मिलता है वो फुल RGB जोन के नशे के साथ आता है, तो आपको फुल RGB जोन का टशन मिल जाएगा। और जो कीबोर्ड इसमें यूज किया गया वो मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस इस लैपटॉप के साथ काफी ज्यादा तगड़ा मिल जाएगा। अब गाइस इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो अगर आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखते हो तो 8 से 9 घंटे तक आप कंटिन्यूसली इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। बैटरी बैकअप आपको बहुत ज्यादा टॉप नॉच इस लैपटॉप में देखने को मिल जाता है और अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको 2 घंटे के करीबन आपको बैकअप दे देगा ये लैपटॉप। तो गाइस ये तो हो गया वो सारे लैपटॉप्स जिसपे आप गेमिंग के अलावा अगर आप कुछ प्रोडक्टिव काम करते हो, लाइक वीडियो रेंडरिंग का कुछ काम हो गया, 3D मॉडलिंग का कुछ काम करते हो, स्ट्रीमिंग करना है, ये सारे वर्कलोड्स आप बिल्कुल स्मूथ तरीके से इन लैपटॉप्स के ऊपर में कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं उस लैपटॉप के बारे में जिनको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसपे उनको गेमिंग से घंटा मतलब नहीं रहता है और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड उनको लैपटॉप चाहिए। तो मैं आपके लिए हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एप्पल के मैकबुक प्रो के साथ जाओ जो कि 14 इंच का मॉडल है। अब गाइस ये जो लैपटॉप है आपको करंटली 1.95 लाख रुपीस का मिल जाता है। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलेगा वो 14 इंच का एक XDR डिस्प्ले है और इस पूरे सीरीज में सबसे बेस्ट क्वालिटी के पैनल के साथ आता है। इसकी पीक ब्राइटनेस बिल्कुल जबरदस्त है, पूरे सीरीज में सबसे अच्छी पैनल की क्वालिटी के साथ आता है। आपको जो कलर एक्यूरेसी भी मिलेगा वो भी बिल्कुल टॉप नॉच है। तो अगर आप वीडियो प्रोडक्शन आप ज्यादा करते हो या फिर आपका फोटोशॉप वगैरह का काम ज्यादा रहता है और आप गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहते हो, उस केस में आप इस लैपटॉप के साथ आंख बंद करके जा सकते हो, बिल्कुल ही आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और परफॉर्मेंस के बारे में अगर आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो अगर आप कोई भी पीसी बिल्ड करते हो, लैपटॉप का बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप कोई पीसी बिल्ड करते हो 8 से 10 लाख रुपए का, तो उसको भी ये लैपटॉप मक्खन की तरह बीट कर देता है। इस लैपटॉप के अंदर में आपको 16GB रैम और 512GB का SSD मिल जाता है। SSD वाले आपको और भी वेरिएंट्स मिल जाएंगे लेकिन उनकी प्राइसेस फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बजट में रहते हुए आपको 2 लाख रुपए के अंदर में ये वाला वेरिएंट मिल जाएगा। 16GB रैम और 512GB का आपको SSD मिल जाता है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो अगर आप हेवी से हेवी यूज करते हो तो आपको 8 से 10 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा और अगर आप मॉडरेट यूज करते हो तो आपका 2 दिन का बैकअप कहीं नहीं गया, बड़े आराम से आपका पूरा दिन निकाल देगा। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो ये जो लैपटॉप है पूरा का पूरा एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आता है, काफी ज्यादा स्टर्डी है। डिजाइन मुझे इस लैपटॉप का पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया और इसमें आपको आगे में टॉप नॉच मिल जाता है। जो वेबकैम आपको इसमें मिलता है वो 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है जो कि काफी ज्यादा सुधारा गया है और आपको लो लाइट कंडीशन में भी आपको अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो गाइज ये थे मेरे टॉप 5 पिक्स। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी। आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय एंड पीस आउट।